टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल है। बिल्ली की प्रजाति से आने वाला ये जानवर हमारे देश की शान है और दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि एक मरे हुए टाइगर की कीमत एक जिंदा टाइगर से कई गुना ज्यादा होती है? और टाइगर एक ऐसा जानवर है जिसके मुंह के दांत से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज मार्केट में बेची जाती है। आज हम इसी ट्रेड के बारे में बात करेंगे और साथ ही में जानेंगे टाइगर्स के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2019 से 2021 के बीच में कुल 108 लोगों ने अपनी जान गंवाई टाइगर अटैक्स के चलते हुए, जिसमें से सबसे ज्यादा मरने वाले लोग महाराष्ट्र में से थे। इनफैक्ट सभी जानवरों में से टाइगर ही इकलौता ऐसा जानवर है जिसने सबसे ज्यादा इंसानों को मारा है। आमतौर पर टाइगर्स ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से वो इंसानों पर अटैक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार टाइगर्स इंसानों को कोई और जानवर समझ लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। इसी तरह उन्हें कभी कभी लगता है कि इंसानों से उन्हें खतरा है और इस खतरे के चलते वो उल्टा इंसानों पर अटैक कर देते हैं। कहा जाता है कि आदमखोर टाइगर यानी इंसानों को खाने वाले टाइगर नॉर्मली काफी बूढ़े होते हैं और कमजोर होते हैं और उनमें दूसरे फुर्तीले जानवरों को पकड़ के खाने की शक्ति नहीं होती, इसीलिए वो इंसानों पर हमला करते हैं जो कि बाकी जानवरों के मुकाबले काफी धीरे होते हैं और कमजोर भी होते हैं। आपने हाल ही में न्यूज में देखा होगा कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास ही दो बाइक सवारों पर एक टाइगर ने हमला कर दिया, जिनमें से एक को वो घसीट के जंगल में ले गया, जिसकी बॉडी भी अब तक नहीं मिल पाई है। तो ये कुछ इंसिडेंट्स हैं टाइगर अटैक्स के। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आदमखोर टाइगर्स होते हैं इन्हें कायर और डरपोक टाइगर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसानों पर हमला करते हैं। करीब 100 साल पहले इंडिया और नेपाल के इलाकों में एक चंपावत नाम की टाइगरस थी जिसने करीब 430 लोगों की जान ली थी। इसके आतंक से परेशान होकर फाइनली फेमस ब्रिटिश हंटर जिम कॉर्बेट ने इसका शिकार करके इसे मार दिया था। ये वही जिम कॉर्बेट है जिसके नाम पर उत्तराखंड का फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसी तरह अवनी नाम की एक टाइगरस थी जिसने साल 2016 से 2018 के बीच में कुल 13 लोगों की जान ली और फाइनली इसे महाराष्ट्र के यवतमाल के बोराती नाम के गांव के पास मार दिया गया। बॉलीवुड की फिल्म शेरनी भी इसी घटना पर आधारित है। तो अब बात करते हैं टाइगर के बॉडी पार्ट्स की और जानते हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइगर एक ऐसा जानवर है जिसके मुंह के दांत से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज का व्यापार होता है। अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सबसे ज्यादा टाइगर के बॉडी पार्ट्स का यूज मेडिसिन पर्पस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर के विस्कर्स यानी मूछें, इसका इस्तेमाल होता है इंसानों के दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए। इसी तरह टाइगर के दांत हमारे बुखार को ठीक करते हैं, उसकी स्किन हमारी मेंटल बीमारियों को ठीक करती हैं, टाइगर के पंजे नींद की बीमारी को ठीक करते हैं, टाइगर की हड्डियां गठिया और सरदर्द जैसी बीमारी ठीक करती हैं, टाइगर की पूंछ स्किन डिजीज को ठीक करती हैं, टाइगर का खून हमारी विल पावर को बढ़ाता है, टाइगर का ब्रेन हमारे आलस को खत्म करता है और फाइनली टाइगर का जो फैट होता है वो भी गठिया की बीमारी को ठीक करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोग शौक के नाम पर टाइगर की स्किन, हड्डियां, कंकाल वगैरह अपने घर में सजा के रखते हैं शौकिया तौर पर और इसमें काफी शान समझते हैं, जो कि असल में एक शर्मनाक बात है। ब्लैक मार्केट के अंदर जानवरों के बॉडी पार्ट का ट्रेड सालाना 6 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, यानी तकरीबन 47,000 करोड़ इंडियन रुपीज। टाइगर के बॉडी पार्ट्स को यूज करने वाली टॉप कंट्रीज में आते हैं यूएस और चाइना। करीब 60% चाइनीज और 1 करोड़ अमेरिकन को लगता है कि टाइगर के बॉडी पार्ट्स को मेडिसिन में यूज करने से उन्हें फायदा होगा। बाकी कंट्रीज जो टाइगर के बॉडी पार्ट्स को यूज करती हैं वो हैं ब्रिटेन, जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान। इन देशों में आपको टाइगर की 2 आंखें मिल जाएंगी 13,000 रुपए में, टाइगर का पंजा मिल जाएगा 80,000 रुपए में, टाइगर की स्किन मिलेगी 4 लाख से 8 लाख के बीच में, जो कि डिपेंड करती है उसकी क्वालिटी पर, और टाइगर की हड्डियों का पाउडर की कीमत है करीब 30,000 रुपए किलो, जिसका इस्तेमाल टाइगर वाइन नाम की शराब बनाने में किया जाता है और इस शराब की एक बोतल की कीमत है करीब 2 लाख रुपए। टाइगर्स के बॉडी पार्ट का यूज TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बनाने में काफी ज्यादा किया जाता है। चाइना ने यूएन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी साइट्स को साइन किया है, जिसके तहत चाइना में कोई भी टाइगर के बॉडी पार्ट्स को खरीदना या बेचना नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना में एक्टिवली टाइगर के बॉडी पार्ट्स का ट्रेड किया जाता है। 1986 में जहां पर चाइना के कैप्टिव टाइगर्स की पॉपुलेशन थी 40,
वो 2013 में बढ़कर 5000 तक पहुंच गई। दूसरी तरफ चाइना में वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन जो कि 1940s में 4000 थी, वो आज के टाइम में गिरकर 40-50 पहुंच गई है। मजाक की बात तो ये है कि इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो ऑफिशियल्स चाइना में इलीगल टाइगर ट्रेड की जांच कर रहे थे, उन्हें ही इस इन्वेस्टिगेशन को दबाने के लिए टाइगर की हड्डियां, दांत और स्किन घूस के तौर पर ऑफर कर दी गई। अब हिपोक्रेसी देखिए कितनी शर्मनाक बात है। अब बात करते हैं टाइगर्स किस तरह हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। टाइगर्स मेनली डियर, बफेलो, एंटीलोप जैसे जानवरों का शिकार करके खाते हैं। ये जानवर शाकाहारी हैं। अब ये शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों को खाते हैं और पेड़ पौधों की संख्या को कंट्रोल में रखते हैं। अब आप जरा सोच के देखिए, अगर टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो इन शाकाहारी जानवरों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। अब ये बड़े हुए जो शाकाहारी जानवर हैं, ये हद से ज्यादा पेड़ पौधों को खाएंगे, जिससे पेड़ पौधों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इस तरह बैलेंस बिगड़ जाएगा पूरे एनवायरनमेंट का, और इस बिगड़े हुए बैलेंस से पूरी पृथ्वी को नुकसान होगा और साथ ही में मानव जाति को भी होगा। दुनिया के 80% टाइगर्स इंडिया में मिलते हैं। साल 2006 में टोटल टाइगर्स की गिनती थी 1411, जो कि 2010 में बढ़कर हो गई 1706, 2014 में ये गिनती पहुंच गई थी 2226 और 2018 में ये टोटल हो गई थी 2967। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो टोटल वाइल्ड टाइगर्स की गिनती है 5000 और टोटल कैप्टिव टाइगर्स की गिनती है 8000। कैप्टिव टाइगर्स का मतलब है वो टाइगर्स जिन्हें हम इंसान अपने आसपास रखते हैं, फॉर एग्जांपल जू या फिर ऐसी किसी जगह पर जहां पर हम इन्हें मॉनिटर कर सकें। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, जिसका एम था टाइगर्स और उनके हैबिटेट को बचाना। इस प्रोजेक्ट का काफी फायदा हुआ और फाइनली टाइगर्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। वीडियो खत्म करने से पहले हम जानते हैं टाइगर्स के बारे में कुछ मजेदार क्विक फैक्ट्स। टाइगर अपनी बाकी बिल्ली के प्रजाति के जानवर जैसे शेर, चीता वगैरह के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है और इनकी टोटल लेंथ 12 से 13 फीट तक हो सकती है। क्या आपको पता है कि टाइगर्स के बच्चे अंधे पैदा होते हैं, और जितने भी पैदा होते हैं उसमें से अडल्टहुड तक सिर्फ आधे ही जा पाते हैं, क्योंकि आधों की मौत हो जाती है ठंड और भूख की वजह से। और कभी कभार तो अडल्ट मेल टाइगर्स टाइगर्स के बच्चों को खा जाते हैं ताकि वो उस टाइगर्स के साथ मेट कर सके। टाइगर्स बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। इनफैक्ट ये एक दिन में 30 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। जिस तरह हम इंसानों के यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उसी तरह टाइगर की बॉडी पे जो स्ट्राइप्स होती हैं, वो भी हर टाइगर की यूनिक होती हैं। एक टाइगर का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 20 से 25 साल तक। अभी हाल ही में आपने देखा था कि इंडिया का जो सबसे बड़ा टाइगर था उम्र में, राजा नाम का, उसकी मौत भी 25 साल की उम्र में ही हुई। और अगर खाने की बात करूं तो टाइगर एक बार में 30 किलोमीटर तक चट कर सकता है, जो कि 120 चिकन बर्गर के बराबर है। अगला और आखिरी फैक्ट, टाइगर इतना फुर्तीला होता है कि अगर कूदने पर आए तो एक बार में 33 फुट लंबी छलांग मार सकता है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।